वल्लभाधीश की जय। साई जी परम दयालु की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। श्री राज धरण की जय। श्रीनाथ प्यारे की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं 252 वैष्णव वार्ता। आज 42वां दिवस, सुभाग 42। वार्ता चल रही है दो भाई पटेल की, सो प्रारंभ कर रहे हैं। वार्ता प्रसंग 3, सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण। बहुत एक दिन श्रीनाथ जी वाको अपने भोजन करत समय ग्वालन पास बैठा रहो, सो आची भात सुबह ने प्रसाद लियो। सो जा ठोर भीतरिया धर गयो हो तो ता ठोर वह पात्री धरी रही। तब दूसरे दिन पात्र धरन भीतरिया गयो, तब तहाँ देखे तो पात्र काल ही की धरी है। तब भीतरिया ने वह पटेल से पूछी, जो पटेल तू काल प्रसाद क्यों ना लियो। तब भीतरिया से पटेल ने कही, जो हूँ तो हवे श्रीनाथ जी साथे जीवू छू, तेती तमो मारी पात्र सु करवा ने मूकी जाओ छो। ये वचन व पटेल के ये भीतरिया सुन के श्री गोसाई जी से जय कहो। सुन के श्री गोसाई जी चुप हो रहे। फिर जब श्री दूसरे दिन श्री गोसाई जी के दर्शन को वह पटेल आयो, तब वह पटेल से श्री गोसाई जी ने कही, जो पटेल तू दो ही दिन थे अपनी पात्र क्यों ना ही लेत। पटेल ने श्री गोसाई जी से कही, जो काका जी हूँ तो श्रीनाथ जी ने ग्वाल मंडली में जीवू छूँ, तो ये पात्र लईने शू करूँ, मने तो त्याना जीमें भूख लागती न थी। ये वचन व पटेल को सुन के श्री गोसाई जी को हृदय भर आए। सो वह पटेल ऊपर श्रीनाथ जी ऐसी कृपा करते भाव प्रकाश तासो जीव को श्री ठाकुर जी की सेवा में ऐसो शुद्ध भाव राखनो। वह पटेल ऐसो भूरो हो तो सो वाह ऊपर श्रीनाथ जी ऐसी कृपा करते। और श्रीनाथ जी के पायवे में बड़ो उपाय है, सो गायन की सेवा है। गायन की सेवा जो खूब मन लगाए के करे तो श्रीनाथ जी थोड़े ही दिनन में वाह ऊपर या भात प्रसन्न होए। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग में गायन की सेवा को यह प्रभाव है। वार्ता प्रसंग 4। पाछे कहते एक दिन को श्रीनाथ जी के सिंह द्वार को पोरिया कहूँ गांव को गयो हो तो तब श्री गोसाई जी को सो अधिकारी ने कहो, जो महाराज अब सिंह द्वार की पोरी पर बैठवे की कौन को आज्ञा करत हो। तब श्री गोसाई जी ने वह पटेल को बुलाएवे को एक ब्रजवासी पठाया। सो वह ब्रजवासी ने जाए के और पटेल से कही, जो पटेल तो को श्री गोसाई जी बुलावत हैं। तब वह पटेल ने वह ब्रजवासी से कहो, जो हूँ तो काम छोड़ी ने तारा श्री गोसाई जी पासे नहीं चालतो, हूँ यहाँ थी तारा श्री गोसाई जी पासे जाऊँ तो ने मारा काका जी सामले तो मारी पात्री काका जी ने मूके। यह वचन वह पटेल के सुन के वह ब्रजवासी श्री गोसाई जी से आए के सर्व समाचार कहो। तब श्री गोसाई जी ने ब्रजवासी से कहो, जो ऐसे कह के कहे थे वह ना आवेगो, तासो तू अब के जाए के वासो यह कहियो, जो तुकू काका जी बुलावे हैं तासो तू बेग चल, तब वह तेरे साथ ही चलो आवेगो। तब फिर वह ब्रजवासी वहाँ जाए के वह पटेल से कहो, जो पटेल तुकू काका जी बुलावत हैं। तब तो वह पटेल वह ब्रजवासी से पहले श्री गोसाई जी पास दौड़ आए के कहो, जो काका जी महाराज मने शू कहो छो। तब श्री गोसाई जी और पटेल से कहे, जो पटेल तू श्रीनाथ जी की सिंहपौर की रखवारी पे बैठो करे। तब पटेल ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जो काका जी मने तो त्या खिरक में गमतू हतु, हवे तमे यहाँ कहो छो तो हूँ यहाँ बेशी परी पात्र तमे मूकसो के नहीं मूको। तब श्री गोसाई जी वाके वचन सुन के बहुत प्रसन्न भय। पाछे आप श्री मुक्ते व पटेल सो आज्ञा करे, जो पटेल हूँ तने पात्र मुकीश, जे काई तने वली जोईए ते तू श्रीनाथ जी ना प्रसादी भंडार माथी लेजे। तब श्री गोसाई जी ने प्रसादी भंडार सो कहो, जो ये पटेल जो जा समय प्रसाद मांगे सोई दीजियो, यह तो को मेरी आज्ञा है। और जो कबू या पटेल ने मेरे आगे आए के ये कही, जो महाराज हमको ये वस्तु भंडारी ने ना देनी,
तो हम तेरे ऊपर रिस करेंगे। तब वह भंडारी श्री गोसाई जी के वचन सुन के अपने मन में वह पटेल को डर बहुत मानतो और वह पटेल हु अपने खाएवे जितनो भंडारी पास्ते ले तो और सिंहपौर की रखवारी आची भात सो करतो। सो मध्यान्ह को श्री गोसाई जी वाकू पात्र अपनी पात्र साथ पठावते, ऐसी वह ऊपर श्री गोसाई जी कृपा करते। पाचे एक दिन श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी को पौड़ाए अपनी बैठक में जाए पौड़े। पाचे रात्रि जब आधी गई तब श्रीनाथ जी स्वामी जी के पाछे ब्रजभक्तन के जूत सहित पधारे। तब यह प्रकार नूपुर के शब्द अनवट विषयान के पायलन के तथा कटिसूत्रन के शब्दन सो पधारे। सो यह आवरण के शब्द सुन के वह पटेल जाग पर्यो। पाछे हाथ में लाठी ले सिंहपौर घेर के ठाड़ो रहो। तब श्रीनाथ जी स्वामी जी की ओर देख के हंसे। पाछे श्रीनाथ जी प्रथम वह पटेल पास पधार के कहे, जो पटेल तू हमको जान दे। तब वह पटेल ने श्रीनाथ जी से कहो, जो महाराज तमे काई गयेला थया छो, जो एटली रात्रि गए वन में बाइडियो सहित घरेनू लूंगड़ा पहरे ने पधारे छो ने एटला घरेना माथी कोई पाड़ी आओ तो पछे काकाजी मने रीस करे ने कहे, जो तू अहीं बैठो हतो ने श्री नाथ जी ने रात्रि ने वेला थे केम जवा दीदा ने घरेनू तो तमे पाड़ी आओ ने काकाजी मारे ऊपर रिस करीने सवारे मने पात्री न मूके तो हूँ शू करूँ। यह वचन सुन के श्रीनाथ जी अपने मन में बहुत प्रसन्न भए और वाको एक अपने श्रीकंठ से हार उतार के दिए, जो यह हार तू श्री गोसाई जी को दीजियो और कहियो जय यह हार श्रीनाथ जी ने दियो है, तब श्री गोसाई जी तेरे ऊपर न खींचेंगे। यह श्रीनाथ जी ने वह पटेल को हार की सेंधानी दीनी और वाको समाधान बहुत भात सो करो। तो वह पटेल ने दरवाजो खोलो, पाछे वह तो एक और ठाड़ो हो रहो। तो प्रथम तो श्रीनाथ जी पधारे, पाछे अनेक जूत सो श्री स्वामी जी दो पधारे, ता पाछे जित कितने जूत और वो ब्रजभक्तन के पधारे। सुसवन को दर्शन व पटेल ने पायो, तब तो यह अपने मन में बहुत ही विस्मित भयो और यह वचन वा समय कहो, जो एटली बाइडियो घर में जाता तो ना जोई ने एटली ने घर में ठाम नथी ते ए सहू क्या रहती हसे ने हवे हूँ एवं ने पाछल जाऊँ तो खरो, ए वन में जाइने शू करे छे। ये अपने मन में निश्चय करके वह पटेल उन ब्रजभक्तन की पधारी पाछे पधारे सिंहपौर के किवाड़ देके आप वो पाछे पाछे निक्षो। सुहा समय श्रीनाथ जी श्री वृंदावन पाराशौली पधारे, ता ठोर जाए श्री यमुना जी के तट विराजे। पाछे यह तो एक कुंज के तरे दुवक के बैठो रहो, ता पाछे श्रीनाथ जी नृत्यारंभ करें सुरास मंडल को याने दर्शन करे। पाछे ब्रजभक्त नृत्य करत श्रमित भय, तब तो श्रीनाथ जी श्री यमुना जी के निकट जाए विराजे और तब वह पटेल व कुंज ते निकर के जाठौर रासमंडल भयो हो तो ताठौर ते ये आवरण बीनन लागो। सो कितने का आवरण याने बीने, पाछे एक रास श्रीनाथ जी ने श्री यमुना जी के किनारे करो। पाछे वहाँ श्रमित भय, तब फिर कुंज में ब्रजभक्तन सहित पधारे। तब यह श्री यमुना जी के घाट ऊपर जाए आवरण बीने। सुतिन रास में आवरण सो या की झोरी भर गई, पाछे रात्रि घड़ी चार हती। तब श्रीनाथ जी तो अपने मंदिर में पधारे और यह श्री गोसाई जी के पास बैठक में गए। ता समय श्री गोसाई जी तेल लगावत हते। सो ये जाए काकाजी महाराज कहे, वह आवरण की गांठ श्री गोसाई जी के आगे धरी। पाछे प्रथम जो सो जहाँ पर्यंत श्रीनाथ जी मंदिर में पधारे सुसर्व समाचार कहे, यह पटेल ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जुओ काकाजी एटला घरे ना त्या पाड़ी आव्या हता, ते हू ना जात तो कौन ले आवतो, ते हूँ ना जात तो कौन ले आवतो ने एटली वस्तु ज्यारे मंदिर में घटे त्यारे तमे मने पूछता ने हूँ तो जानतो नहीं।
તે હું તમને કહે ત્યારે તમે મારા ઉપર રેસ કરીને પાત્ર ન મૂકો તો હું શું કરતો? તબ શ્રી ગોસાઈજી વાગે વચન સુનકે બહુ પ્રસન્ન ભાઈ પાછે ભાઈ પટેલ કાકાજી મહારાજ કહે સિંગપોર પર આય બેઠો વા ઉપર શ્રીનાથજી આ પ્રકાર કૃપા કર રાસ કે દર્શન કરવાએ વા પ્રકાશ કહે એ કુમારિકા કે યુદ્ધ કી સખી હૈ તાથી દર્શન દીએ. આજ કી વાર્તા કો થોડી સી ઓર હૈ યાકો કરકે ફિર વિશ્રામ કરેંગે. પાછે શ્રી ગોસાઈજી સ્નાન કર પર્વત ઉપર શ્રીનાથજી કે મંદિર મેં પધાર શંખનાદ કરવાય કે શ્રીનાથજી કો જગાય. તબ શ્રી ગોસાઈજી સો શ્રીનાથજી હસકે કહે જો આછો પોરીએ રાખ્યો હૈ. તબ શ્રી ગોસાઈજી શ્રીનાથજી સો કહે જો આપ હુવા ઉપર ભલી કૃપા કરો હો. તબ દુજન પરસ્પર મુસ્કુરાય કે ચુપ કર રહે. પાછે મંગલા ભોગ ધર કે શ્રી ગોસાઈજી સિંહ દ્વાર પર પધારે તો વા પટેલ સો શ્રી ગોસાઈજી આજ્ઞા કરે જો આજ પાછે તું શ્રીનાથજી કો કહું મત બરજ્યો ઓર તું કહું સાથ મત જઈયો. જ્યાં શ્રીનાથજી પધારે તહાં પધારણ દીજો. હમ તેરી ઉપર રેસ ના કરેંગે ઓર આજ તે સિંગપોર કો એક કિવાડ ખુલો રખિયો. બા પ્રકાશ કાય તે જો શ્રીનાથજી કો પધારણ મેં શ્રમ ના પડે સુતા દિન તે યે રીત ચલી જો સિંગપોર કે કિવાડ દો કબૂ બંધ ના રહે. તબ વે પટેલ શ્રી ગોસાઈજી કો દંડવત કરે ભલો કહે કે બેઠી રહ્યો. પાછે કબૂ શ્રીનાથજી કહું પધારતે તો વે પટેલ તા દિન પાછે બરજ તો નાહી પર શ્રીનાથજી વા ઉપર એસી કૃપા કરતી જો પધારત સમય વા કો નિત્ય દર્શન દેત પધારતી. શ્રીનાથજી વ પટેલ પર યા પ્રકાર કૃપા કરતી સો યે પટેલ શ્રી ગોસાઈજી કી કૃપા તે એસો ભગવદીય ભયો તાકી યાકી વાર્તા કહાં તાઈ કહીએ. સો આજ વાર્તા કો યહીં વિશ્રામ કરે હૈ ઓર યહાં તે આગે કી વાર્તા આપ કલ શ્રવણ કરેંગે. સો સબ વૈષ્ણવન કો જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી રાધે.